Hey guys again, welcome back to my channel Isha. Hope you all are doing great. और मैं अच्छी हूँ, सेफ हूँ अभी कोरोना के टाइम पे. और आज के वीडियो मेरे रॉ एलोवेरा जेल पर है. रॉ एलोवेरा जेल से मैं टोनर बनाऊँगी जो कि समर के टाइम के लिए बहुत ही अच्छी है. और वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो देख सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. सो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एलोवेरा के जो पत्ते हैं, मेरे घर पर ही है, मैं लेके आई हूँ थोड़ा तोड़ के. ये है मेरे एलोवेरा के पत्ते और अभी मैं इससे ही मेरा जो एलो टोनर है और एलोवेरा जेल है उसको तैयार करूँगी. अभी मैं इसको अच्छे से धो लूँगी ताकि इसमें कोई डर्ट या जर्म्स ना रहे और मेरे जो एलो टोनर है वो अच्छी तरीके से फ्रेश और क्लीन बने. मेरे जो एलोवेरा के पत्ते हैं मैंने पूरा धो लिया सबको. अभी मैं इसको कट करूँगी साइड से, इसको इस तरीके से साइड से धीरे धीरे से कट करके निकालना चाहिए क्योंकि इसके साइड में कुछ काटा जैसी रहती है, इसलिए इसको साइड से कट करना है. हमें पहले दोनों साइड से कट करना है, इस साइड से भी और उस साइड से भी कट करना है. उसके बाद मैं एलोवेरा के लीफ को ऊपर से छीलना है. अगर आपके पास चाकू है तो आप चाकू से ये कर सकती है. अभी मैं इसके जेल को एक स्पून के मदद से निकाल रही हूँ बाहर और ऐसे ही आप लोगों को भी निकालना है. सबसे इजी और आसान तरीका यही है, कोई दिक्कत भी नहीं होती और पूरा जेल जो है वो बाहर भी आ जाती है. तो ये सबसे इजी एक तरीका है एलोवेरा जेल को बाहर निकालने का. इसका अलावा भी और एक टाइप से आप निकल सकती हो, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को. और एक ले लेती हूँ और इसको दोनों साइड से कट कर लूँगी क्योंकि थोड़ा ख़राब हुआ है. और इसके बाद इसको छोटे छोटे पीस कर लूँगी क्योंकि काटने में बहुत ही ईजी होती है ऐसे. उसके बाद दोनों साइड से सेम ऐसे ही कट कर लिया और इसको पहले बार जो मैंने किया उसका एक साइड से छीला, पर इसको दोनों साइड से छीलना है. छीलने के बाद बीच में से जो जेल है वो निकल के आ जाती है पूरा फ्रेश, पर मेरा नहीं आई क्योंकि ठीक से नहीं कर पाया मैंने. उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकती हो, लेकिन पत्ते में, दोनों साइड का पत्ते में जो छीलती हो आप उसमें बहुत ज़्यादा जेल रह जाती है तो इसमें वेस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा जेल. अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहती हो तो मैंने फर्स्ट टाइम जैसे दिखाया, आप लोग स्पून की मदद से निकाल लो, उसमें कोई भी बुरा नहीं है. ये भी अच्छी है, पर यह है जेल, देखो कितना फ्रेश है. जेल निकाल लिया है और इसी एक कप में रख दिया. अभी इसको मैं मिक्सर में डालूंगी और इसको ब्लेंड कर लूंगी.
मेरा जेल रेडी हो गई है। अभी मैं इसमें मिक्स करूँगी गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अगर आप चाहो तो इसको ले सकती हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका 4 to 5 ड्रॉप्स इसमें मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसको फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाए। और इसमें मैंने डाला कप में 1/2 कप मिनरल वाटर, क्योंकि टोनर जो होती है वो बहुत ही हल्का, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही। मैंने मिक्सर में इसको ब्लेंड कर लिया फिर से और मेरा जो एलोवेरा टोनर है वो पूरे तरीके से तैयार हो गई है। इसको अभी मैं थोड़े देर के लिए रख दूँगी ताकि इसका जो झाग है ये थोड़ा कम हो जाए और उसके बाद मैं इसको बोतल में डालूँगी। मेरे पास वैसे कुछ वाइट कलर की बोतल नहीं है, मेरे पास ये गुड वाइब्स का टोनर की बोतल है, हानी टोनर की, जो कि ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा बहुत गिर भी गया क्योंकि ये कप में थी, इसलिए अगर दूसरा कुछ बर्तन में रहती तो शायद ठीक तरीके से अंदर चली जाती। अभी मैं इसको थोड़ा सा शेक करूँगी, शेक करके अपने हाथों पर लगा कर आप लोगों को दिखाऊँगी। इसको ऐसे ओवरनाइट रख दो स्किन पे तो बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरे जो एलोवेरा टोनर है, एलो टोनर, वो तैयार हो गई है। मैंने उसको ये गुड वाइब्स के हानी टोनर की जो बोतल है इसको इसमें स्टोर कर लिया क्योंकि ये टोनर मेरे ख़त्म हो गई थी गुड वाइब्स का, इसलिए इसमें स्टोर किया मैंने एलोवेरा टोनर। और फ्रेंड्स, एलोवेरा टोनर समर के लिए ऑसम है, बस समर के लिए नहीं, हर सीजन के लिए। एलोवेरा के स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए हमेशा अच्छी होती है, ये आप सब लोगों को पता है। तो अगर आप लोगों के पास, आप लोगों के घर पे रॉ एलोवेरा है तो आप वो रॉ एलोवेरा से एलो टोनर ज़रूर बना सकती है, ऐसे जैसे मैंने बनाया, और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने से जो आपके नेचुरल एलो टोनर है उसको यूज़ करने से आपकी स्किन, मतलब कि मार्केट की जो एलोवेरा टोनर आती है उससे ज़्यादा अच्छी होगी, उससे ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी, ग्लो करेगी और आपके स्किन के जो ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है एलोवेरा टोनर। तो आपके घर पे अगर है तो आप रॉ एलोवेरा से ऐसे बना सकते हैं, अगर आपके घर पे नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। गुड वाइब्स का एलोवेरा टोनर है शायद, तो गुड वाइब्स का नहीं है तो दूसरा कुछ एलोवेरा टोनर का लिंक दे दूँगी, आप लोग उस लिंक में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो इसको यूज़ कैसे करना है, नॉर्मल टोनर की तरह यूज़ करना है, बस इसको ऐसे शेक करिए और बाहर नहीं आ रही है। अपने सारे फेस पे ऐसे अप्लाई कर लीजिएगा और हाथ से थोड़ा ऐसे डैप डैप कर लीजिए। ये फेस धोने के बाद, मतलब क्लिंजिंग करने के बाद यूज़ करना है आप लोगों को। और अगर आप चाहते हो तो दिन में तीन चार बार भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुंह धोना है उसके बाद, मतलब फेस वॉश करना है उसके बाद ही आप लोगों को टोनर यूज़ करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। समर के टाइम में आप लोगों के जब भी मन करे तो आप लोग ऐसे एक बार यूज़ कर सकते हैं इसको, ताकि आपकी स्किन और भी ज़्यादा हाइड्रेट रहे और सॉफ्ट और ग्लोइंग रहे। तो टोनर यूज़ करना मत भूलिएगा। और अगर आपके घर पर रॉ एलोवेरा है तो उसके यूज़, मतलब कि उसको यूज़ करिए, उसको स्किन पे, हेयर पे यूज़ करिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है रॉ एलोवेरा कैसे बनाती है, रॉ एलोवेरा की जेल, तो आप वो वीडियो, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के एकदम 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 लास्ट वीडियो आप लोग देखिए। वो वीडियो में कैसे एलोवेरा जेल तैयार करना है, रेडी करना है, उस वीडियो में डिटेल्स में मैंने दिखाया है वो सब। और मेरे आज की वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को सुपर डुपर लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करना कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो देखना है, तो मैं उस तरह की वीडियो लेके आप लोगों के पास आती रहूँगी। और आप लोग प्लीज़ वीडियो फुल देखना, नहीं तो बहुत दिल दुखता है अगर वीडियो फुल नहीं देखती हो तो। तो एलोवेरा का बेनिफिट्स और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है एलोवेरा बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो आप लोग ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना चल रही है, कोरोना के टाइम सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए। टाटा, बाय बाय।